इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत लास्ट क्लास में जो हमने किया था, लास्ट क्लास में हमने मैपिंग की आधारभूत क्लास की थी आपकी, मानचित्रण की जो विषय वस्तु है उसका आधारभूत वाला सेक्शन हमने किया था। आज उसके आगे चलेंगे। दो क्लासेस हो चुकी हैं आप सभी की, और मेरा प्रयास था कि दो क्लासेस में आपको शुरुआती प्रारंभ से, मतलब मैं आधार से शिखर तक, जैसा कि मेरा हमेशा हर एक क्लास को मैं रखता हूँ, वैसे ही इस क्लास को भी आगे अभी बढ़ाएंगे, कंटिन्यूअस करेंगे। तो आज जो है थोड़ा सा समुद्री क्षेत्र को देखते हैं कि समुद्र में क्या है। हमने स्थलीय क्षेत्र तो पूरा लगभग लगभग देख लिया था। एक बार जो है भारत की समुद्री जल सीमा को समझने का प्रयास करें, ये सारी चीजों को देखने का प्रयास करें। तो देखिए, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, मुख्य भूमि वाला क्षेत्र जो है मेनलैंड एरिया या स्थलीय क्षेत्र, जहां पर एक आबादी निवास करती है ना। अभी भारत सरकार के द्वारा समुद्री क्षेत्र के लिए डीप ओशन मिशन भी चालू किया गया है, ताकि समुद्रों में छुपे हुए संसाधनों को क्या किया जाए, उनकी रिसर्च हो सके, अन्वेषण हो सके। और भारत का जो समुद्री क्षेत्र है, तो कोई भी क्षेत्र, आप लोग घरेलू सीमा की बात करते हैं ना, जीडीपी की बात जब हम करते हैं, तो जीडीपी में जो कहते हैं ना कि सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद का मतलब ये है कि देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत है ना उत्पादित होने वाला वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। तो घरेलू सीमा के अंतर्गत क्या क्या घरेलू सीमा में आएगा, तो स्थलीय भूमि के साथ साथ जलीय क्षेत्र भी आपकी घरेलू सीमा होती है। अब इसको लेकर के एक कानून बना हुआ है, अनक्लॉज, यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक कन्वेंशन बनाया गया समुद्र पर, है ना, समुद्र पर एक कन्वेंशन बनाया गया। और इस कन्वेंशन का जो अल्टीमेट पूरा कंप्लीट पर्पस था, इसका पर्पस यही था अनक्लॉज का, कि कहीं ना कहीं पे जो समुद्री क्षेत्र है इसको लेकर जो विवाद होते रहते हैं, इसको लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ये एक बड़ा क्षेत्र है, और इसको लेकर अभी आप देख रहे हैं चाइना को लेकर के, चाइना किस तरीके से विस्तारवादी नीति है ना, तो इसको लेकर के स्पष्टता हो सके, तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक कानून पारित किया गया था। इस कानून को बोलते हैं अनक्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, है ना। समुद्र पर यूनाइटेड, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संधि है, इसी संधि के अनुसार ही सारे के सारे जितने भी देश हैं इसी का अनुपालन करते हैं, इसी संधि के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो अब सबसे पहले आप समझिए, कोई भी देश है, समुद्र में कितना हिस्सा उसका खुद का है और कितना हिस्सा है जो स्वतंत्र तौर पर कोई भी देश उस पर व्यापार कर सकता है, उस क्षेत्र से जा सकता है। क्योंकि आपको पता है परिवहन को लेकर के, समुद्री परिवहन एक सबसे महत्वपूर्ण परिवहन में से एक है, तो परिवहन में समुद्री परिवहन को लेकर के भी आपको चीजों को समझना होगा। तो एक बार जो है आज जो हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा समुद्र वाले क्षेत्र को समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं भारत की समुद्री सीमा, है ना, ये हेडिंग डाल सकते हैं। तो एक बार पहले मैं यहाँ पे आपको बनाऊंगा, आप भी इसको मेरे साथ साथ बनाते जाइएगा। देखिए, कोई भी देश हो, उसकी जो तट रेखा होती है वो तट रेखा कटी फटी होती है। जैसे भारत की तट रेखा आप देखिए कुछ ये है ना, कटी फटी तट रेखा, इसलिए क्योंकि समुद्र जो है तट रेखा को कभी भी समतल नहीं रहने देता, या फिर एक समानांतर नहीं रहने देता। समुद्र किसी न किसी क्षेत्र में उसे काटता ही रहता है, ठीक है। समुद्र के अंदर तरंगीय बल है ना। तो इस कटी फटी रेखा को सबसे पहले अनक्लॉज के अंतर्गत इसको क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है। मैं अभी इसे तट रेखा को मिला देता हूं, इस तट रेखा को हम क्या करेंगे, मिला देते हैं, है ना, इस तट रेखा को, ताकि ये रहे कि कटी फटी ना रहे, बराबर रहे, समानांतर रहे। इस रेखा को कहते हैं आधार रेखा। इसको क्या बोलते हैं, आधार रेखा, आधार रेखा। एक तरीके से ये मान लीजिए कि आधार रेखा जो बनाई जाती है, आधार रेखा के अंदर जो वाटर बॉडी होती है, अंदर जो वाटर बॉडी होती है, इसको बोलते हैं आंतरिक जल, आंतरिक जल। और ये उस देश का हिस्सा ही माना जाता है। मतलब ये जो आधार रेखा है, आधार रेखा के अंदर का जितना भी वाटर बॉडी है, माना जाता है कि उस देश का प्रॉपर हिस्सा है, ठीक है। ये आपको समझना चाहिए कि इतने हिस्से तक भूमि निकली हुई है, ये जलमग्न है भूमि, ये माना जाता है, यानी इस हिस्से में भी भूमि रही होगी पहले, है ना। तो कहीं ना कहीं पे समुद्र के द्वारा जो है उस क्षेत्र को काट दिया, कुछ कर दिया गया, महाद्वीपीय मग्न तट में तब्दील कर दिया गया, ये सारी चीजें। तो आधार रेखा ये समानांतर रेखा हो जाती है, नहीं तो
यदि हम समुद्र पे अधिकार को लेकर के चिन्हित करते, नॉटिकल मील को लेकर के चिन्हित करते, तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती। ठीक है, अब समझिए अब इसको किस तरीके से आगे डिनोट किया गया है। ठीक है, समुद्री मील के अंतर्गत है ना, एक समुद्री मील के अंतर्गत, एक नॉटिकल मील के अंतर्गत या एक समुद्री मील के अंतर्गत 1.8 मील के बराबर होता है। अभी आगे इसको और मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो यहां से ये आधार रेखा से हम काउंट करिए 12 नॉटिकल माइल। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल चलते हैं। ये 12 नॉटिकल माइल तक का जितना भी क्षेत्र होता है, ठीक है, जैसे आधार रेखा की का स्वरूप होगा वैसे ही ये आपके अब आगे की रेखाएं बनती चली जाएंगी। ठीक है, तो जो आपका आधार रेखा वाला क्षेत्र है, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है, इसको बोलते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा। क्या बोलते हैं? प्रादेशिक समुद्री सीमा, प्रादेशिक समुद्री सीमा, प्रादेशिक समुद्री सीमा। ठीक है, पहले तो ये आपको समझना है। इसके बाद दूसरा आपका है, यहां से 12 और जोड़ दीजिए, 12 नॉटिकल मील और जोड़, या आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील कर दीजिए, या फिर प्रादेशिक समुद्री सीमा से 12 नॉटिकल मील और जोड़ दीजिए, तो टोटल हो जाएगा 24 नॉटिकल माइल। 24 नॉटिकल माइल यहां पे हम खींच देते हैं, ये सीमा है। इस सीमा को क्या बोलते हैं? दूसरा है आपका अविच्छिन्न या संलग्न क्षेत्र। क्या है? अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, इसको बोलते हैं संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र। यहां पर भारत को या कोई भी देश हो, सबको राइट होते हैं। देखिए, सभी देशों के पास समुद्र नहीं है, बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जो लैंड लॉक कंट्री होते हैं। ठीक है, लेकिन जिन देशों के पास समुद्र है उनके लिए नियम बनाया गया है ताकि किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक, आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल तक जो आपका क्षेत्र फैला होता है, इसको बोलते हैं हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। बताइए कोई दिक्कत हो तो। इतना समझ में आ गया आपको अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या है? तीन चीजें हो गई। पहला है आपका आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक, ये आपका है प्रादेशिक समुद्री सीमा। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक, ये आपका है संलग्न क्षेत्र। आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक, ये है आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र। बताइए इतना समझ में आ गया आप सभी को, सभी छात्रों को ये चीज समझ में आ गई? समझ में आ गया कि नहीं आ गया ये बताइए। अभी सिर्फ हमने सिर्फ डिस्कस किया है कि कहां पे क्या है, अभी इसको और देखेंगे डिटेल से। ठीक है, इस पे अभी डिटेल से जाएंगे, एक एक करके मैं चर्चा करूंगा आपका। ठीक है, क्लियर है? हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब चलिए इसको एक बार एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा, तो ये आपकी जो आधार रेखा होती है, आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक होती है। ठीक है, अब एक समुद्री मील, ये भी लिख लीजिए, पूछा जा सकता है, एक समुद्री मील या नॉटिकल मील इक्वल टू कितने किलोमीटर के अंतर्गत होता है? एक नॉटिकल मील होता है 1.852 किलोमीटर के अंतर्गत होता है। इतना आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये भी कई बार पूछा गया है। 1.852 किलोमीटर के अंतर्गत समुद्र के अंदर तक होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, जो ये आपका प्रादेशिक समुद्री सीमा होती है, इसमें किसी भी देश का, या भारत की बात करें तो भारत का संपूर्ण अधिकार है इस क्षेत्र में। क्या है? संपूर्ण अधिकार है, ध्यान रखिएगा, संपूर्ण अधिकार होता है इसमें। भारत यहाँ पे कुछ भी कर सकता है, कोई भी अनुसंधान प्रवृत्ति हो सकती है, वहां पर अपने द्वीपों का निर्माण हो सकता है, या फिर वहां पे किसी भी तरीके का प्रयोग किया जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, वहां के सभी संसाधनों का प्रयोग भारत करता है। ठीक है,
ऋषि प्रसाद जी कह रहे तब तो श्रीलंका इंडिया में आ जाएगा। बेटा देखो ऐसे नहीं होता है, श्रीलंका और इंडिया को लेकर के यहाँ पे दो पर्टिकुलर कंट्री हैं, तो इन कंट्रियों के बीच में एक जल संधि है पाक स्ट्रेट जो इनको अलग करती है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो ऐसी कंडीशन में जब दो देश बहुत नजदीक होते हैं और समुद्री क्षेत्र में होते हैं तो ऐसे संकीर्ण जल संधि वाले क्षेत्र पे रहने वाले, ऐसे जिब्राल्टर जल संधि आपकी, ऐसे तो आपका लाल सागर वाला क्षेत्र हो गया, ऐसा आपका मलक्का जल संधि वाला क्षेत्र हो गया, जो क्षेत्र जल संधियों से जुड़े होते हैं, इनका दोनों देशों के द्वारा आपस में बैठ करके द्विपक्षीय वार्तालाप के माध्यम से अपने देश के सीमाओं का, जलीय सीमाओं का निर्धारण किया जाता है, और जलीय सीमाओं का उल्लंघन वहां पर किसी भी देश के नागरिकों को, जैसे हमारे देश के तटीय क्षेत्रों पे मछुआरे हैं बहुत बड़ी संख्या में, तो मछली को लेकर के, मत्स्य पालन को लेकर कितने क्षेत्र में और कहां कितने क्षेत्र में किसकी नौसेना लगेगी, ये सारा चीजें यहाँ पर पहले से पूर्व निर्धारित की जाती हैं। ठीक है, तो जलीय सीमा का निर्धारण किया जाता है, और जलीय सीमा भी बकायदा जैसे स्थलीय सीमा आपकी चिन्हित है, फेंसिंग की गई है, वैसे जलीय सीमा पे भी बकायदा जो है फेंसिंग टाइप में ही की जाती है, वहां पर भी ये चिन्हित किया जाता है कि ये भारत की जलीय सीमा है या ये अन्य किसी देश की जलीय सीमा है। ठीक है, बीच में थोड़ा सा स्थान छोड़ दिया जाता है, मान लीजिए ये दो क्षेत्र है, यहाँ पे श्रीलंका की नौसेना है, इधर भारत की, तो बीच का थोड़ा सा क्षेत्र जो है न्यूट्रल जोन के तौर पे छोड़ दिया जाता है। कई बार होता है कि सीमा का उल्लंघन भी हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीमा के अंदर प्रवेश कर जाए। तो ये आपके जहां पे भी जल संधि वाले क्षेत्र हैं, ये दोनों देशों के आपस में द्विपक्षीय संबंधों के माध्यम से चीजें तय कर ली जाती हैं, कौन कितने क्षेत्र तक रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, इसमें कोई आपको ध्यान देखना नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट। तो सबसे पहले तो ये आपका प्रादेशिक समुद्री सीमा के अंतर्गत किसी भी देश का संपूर्ण अधिकार होता है, उस देश के अंतर्गत जो वहां पे महाद्वीपीय मग्न तट होता है, वहां पर किसी भी तरीके के संसाधन है, कुछ भी है, उनका संपूर्ण अधिकार किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक दूसरा है आपका, लिख सकते हैं आप इस चीज को, इसको साथ साथ लिखते जाइए, लिख लीजिए, प्रादेशिक समुद्री सीमा के अंतर्गत संपूर्ण अधिकार होता है किसी देश का। ठीक है, संपूर्ण अधिकार यानी कि कुछ भी कर सकता है, जो भी है वहां पे संसाधन रिसोर्सेस सभी का पूर्ण दोहन कर सकता है। इसके बाद 24 नॉटिकल मील तक के दूरी को संलग्न क्षेत्र मंडल या संलग्न जोन कहते हैं। ठीक है, कंटिजुअस जोन कहा जाता है। ठीक है, तो अब इस क्षेत्र में भारत को राजकोषीय अधिकार प्राप्त होता है। कैसा अधिकार प्राप्त होता है? इस क्षेत्र में किसी भी देश को राजकोषीय अधिकार प्राप्त होता है। कैसा अधिकार? राजकोषीय अधिकार प्राप्त होता है। राजकोषीय अधिकार का मतलब यहाँ पे किसी भी देश से कस्टम ड्यूटी ली जा सकती है, सीमा शुल्क से संबंधित अधिकार है। ठीक है, सीमा शुल्क यहाँ पे वसूला जाता है 24 नॉटिकल। तो यदि कोई भी देश भारत के 24 नॉटिकल मील यानी संलग्न क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसको कस्टम ड्यूटी देनी होगी। ठीक है, उसे सीमा शुल्क देनी होगी, तो सीमा शुल्क यहाँ पे वसूला जाता है। यहाँ पे स्वच्छता रखने का अधिकार भी है, स्वच्छता से संबंधित साफ सफाई भारत जो है इस पूरे क्षेत्र की रखेगा। इसके अलावा कोई भी विदेशी नागरिक भारत की सीमा में प्रवेश करेगा तो वो यदि 24 नॉटिकल को अंदर आ जाएगा तो ये माना जाएगा कि वो देश, यानी माइग्रेशन को लेकर, अप्रवासियों को लेकर कानून बनाने का भी अधिकार इसी क्षेत्र तक होता है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि 24 नॉटिकल मील तक क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? तो 24 नॉटिकल मील तक क्या कर सकते हैं? साफ सफाई का अधिकार है हमें, राजकोषीय अधिकार है, सीमा शुल्क वसूली कर सकते हैं, और हम कानून बना सकते हैं अप्रवासियों के लिए, जो माइग्रेटेड पर्सन है 24 नॉटिकल मील तक में उनके लिए हम कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है आपको ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला है आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये आपका आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक होता है। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र में क्या होता है आपका? ये आपका होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, अब यहां पर क्या क्या होता है, क्रम से एक एक बातें लिख लीजिए। ठीक है, क्या क्या है? सबसे पहले भारत यहाँ पे इस क्षेत्र में प्राप्त होने वाली खनिज संपदा का दोहन कर सकता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार के जो खनिज पाए जाएंगे इनका दोहन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राप्त होने वाली खनिज संपदा का दोहन कर सकता है। दूसरा, सागरीय जल शक्ति के लिए यहाँ पर अनुसंधान कार्य कर सकता है या उसका प्रयोग कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे सागरीय जल शक्ति जो होती है उसका भी प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा
समुद्री जीवों को भी यहां पर उनको भी दोहन कर सकता है। क्या कर सकता है समुद्री जीवों का? समुद्री जीवों का भी दोहन कर सकता है यहां पे। दूसरा, समुद्री खनिजों का संरक्षण कर सकता है और अनुसंधान कर सकता है। ठीक है, समुद्री खनिजों का दोहन कर सकता है और अनुसंधान का कार्य भी भारत कर सकता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से भारत की आबादी बढ़ रही है, किसी भी देश की आबादी जब बढ़ती है तो आबादी बढ़ने पर आने वाले समय में ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि किसी भी देश को द्वीपों की जरूरत पड़े, या कुछ भी करे, या फिर कह सकते हैं भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए, या फिर कोई रिसर्च कार्य करना है, रिसर्च कार्य करने के लिए उसको कंट्री के मुख्य भूमि के अंदर नहीं करना, तो द्वीप बना के किया जा सकता है। तो कृत्रिम द्वीपों का निर्माण भी किया जा सकता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र में। क्या किया जा सकता है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो यहाँ पे खनिज संसाधनों का दोहन करने का अधिकार है, नए द्वीपों का बनाने का अधिकार है, वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार है। ये आपको पता होना चाहिए कहां पर, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पे। ठीक है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए सभी को। बताइए कोई दिक्कत हो तो, कोई समस्या है? लिख लिया सभी ने ये सारे पॉइंट? देखिए, जो आपकी प्रादेशिक सीमा है, प्रादेशिक समुद्री सीमा 12 नॉटिकल मील तक, यहां पर क्या कर सकते हैं? संपूर्ण कंप्लीट राइट है। ठीक है, जैसे कि मुख्य भूमि पे वैसे यहाँ पे सारे नियम कानून सब कुछ लगेंगे। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जितना भी अपतटीय क्षेत्र होता है, जितना भी अपतटीय क्षेत्र, अपतटीय मतलब तट से थोड़ा सा दूर, यहाँ पे जो भी संसाधन होते हैं सारे केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पे मुंबई हाई है, मुंबई हाई यहाँ पर है, मुंबई हाई से तेल निकाला जाता है और ये भारत की एक बड़ी साइट है जहां पे पेट्रोलियम है। तो ये सेंटर महाराष्ट्र के सरकार के अंतर्गत नहीं आएगा, राज्य सरकार का। समुद्री क्षेत्रों में जो भी संसाधन मिलेंगे ये राज्य सरकार के अंतर्गत ना होकर के समुद्र सर केंद्र सरकार के अंतर्गत होंगे। किसके अंतर्गत होंगे? केंद्र सरकार के, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि राज्य सरकार के अंतर्गत वही संसाधन माने जाएंगे जो राज्य की भूमि, जो स्थलीय सीमा है उसके अंतर्गत है, समुद्री सीमा में, जल सीमा में, क्योंकि ये केंद्र सरकार संघ सूची का विषय है। ठीक है, जो भी आपके अपतटीय है, महाद्वीपीय, मग्न तट है, सेल्फ है। तो अभी भारत सरकार के द्वारा डी पोषण मिशन प्रारंभ किया गया है और डी पोषण मिशन का भी उद्देश्य यही है कि समुद्री संसाधनों की खोज की जाए, वहां पर जो अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि अभी समुद्र का दोहन नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा, समुद्र का दोहन नहीं किया गया, तो चीन के द्वारा लगातार बड़े स्तर पर कार्य किया जा रहा है, नए नए द्वीपों का निर्माण किया जा रहा है समुद्री क्षेत्रों में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सुचित्रा कुमारी कह रहे हैं सर इसी कारण हमारे मछुआरों को श्रीलंका पकड़ लेता है। देखो, मछुआरे इतना शिक्षित नहीं होते और कई बार क्या होता है, अब जैसे भारत और श्रीलंका है ना, तो भारत श्रीलंका के बीच में बहुत सारे द्वीप हैं। जो आपका राम सेतु है ये धनुषकोटी से प्रारंभ होता है और इसके बाद ये जो है श्रीलंका में कई द्वीप ऐसे हैं जो कि द्वीप विवादित है। एक द्वीप है कच्चा तीवीदूत, कच्चा तीवीदूत जो है दोनों देशों के बीच में विवाद का कारण है, अभी तक स्पष्ट ही नहीं हुआ है कि किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। वैसे न्यू मूर द्वीप है आपका, वो भी अभी विवाद के द्वीप है। कई सारे द्वीप ऐसे हैं जो कि विवादित हैं, आपस में ये क्लियर नहीं है कि इस द्वीप में किस देश का अधिकार क्षेत्र आता है। तो इस कारण से मछुआरों को क्या है, उनको तो देखिए वो वित्तीय जो है लाभ के लिए समुद्र में निकलते हैं। ठीक है, और वित्तीय लाभ के लिए उन्हें ये रहता है कि जब तक उनका जो भी खर्च है, जो एक्सपेंसेस है, या अधिकतम लाभ, तो उस चक्कर में कई बार होता है कि वो प्रादेशिक समुद्री सीमाओं का उल्लंघन कर देते हैं और उल्लंघन करने के कारण से फिर धरे जाते हैं, फिर पकड़े जाते हैं। और बहुत बड़ी संख्या में मछुआरे जो है श्रीलंका की जेलों में कैद हैं, भारत में भी श्रीलंका के मछुआरे कैद हैं। तो हर बार आप देखते होंगे 15 अगस्त या 26 जनवरी को दोनों देशों के द्वारा, है ना, या फिर एक पर्टिकुलर कोई डेट के द्वारा जो उस देश में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो उसको छोड़ते हैं मछुआरों को। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सीमाओं को, कोई इनका ऐसा उद्देश्य नहीं होता है। और लेकिन जब से 26/11 हुआ, 26/11 में आपको पता होगा कि जो आतंकवादियों ने अंजाम दिया वो समुद्री मार्ग का ही, उन्होंने ये वाला क्षेत्र था, यहां से आए हुए थे पाकिस्तान के, ये कराची पोर्ट से आए हुए थे, है ना, कराची पोर्ट से आए थे और कराची पोर्ट से आ करके ये मुंबई में, महाराष्ट्र में प्रवेश करते हैं। तो अब जो है, और वो भी एक मछुआरे को ही पकड़ा था इन्होंने, मछुआरे की बोट को पकड़ा था। तो अब बहुत सख्ती हो गई इन चीजों को लेकर के, है ना, बहुत सारी सख्ती हो गई। और जो इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के अंतर्गत समुद्री सीमा प्रबंधन है, इस पर बहुत काम किया गया है। ठीक है,
ये भारत की प्रादेशिक सीमा है। सबसे पहले इससे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं और आपको जानकारी भी होनी चाहिए कि किस किस क्षेत्र में क्या क्या है, पहले तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए भारत की जो समुद्री सीमा है, मैंने कल आपको बताया था कि यदि हम मुख्य भूमि के देखें तो मुख्य भूमि की जो समुद्री सीमा है वो लगभग आपकी मेनलैंड की। चलिए ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया, अब आगे बात करते हैं। जो हमारी समुद्री सीमा है, ये पूरी समुद्री सीमा की बात करते हैं, ये वाली गुजरात है आपका, नौ राज्य हैं, नौ राज्य समुद्र से लगे हुए हैं, नौ राज्यों के पास समुद्र है, ठीक है। सबसे पहला राज्य आपका गुजरात है, दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे गोवा है, चौथे नंबर पे आपका कर्नाटक है, पांचवें नंबर पे आपका केरल है, ठीक है, छठवें नंबर पे आपका तमिलनाडु है, सातवें नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश है, आठवें नंबर पे आपका उड़ीसा है और नवे नंबर पे आपका वेस्ट बंगाल है। ये नौ स्टेट हैं, नौ स्टेट के बाद क्या है, नौ स्टेट के पास अपना लैंड बॉडी है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है सभी को, इतना इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, ना किसी को होना चाहिए, नहीं है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं इनके बारे में। इनमें से जो भारत की तट रेखा है, ये टोटल है, इन राज्यों को देख लिया जाए तो लगभग 6100 किलोमीटर की तट रेखा है। लेकिन यदि हम इनको जोड़ लें, जो ये द्वीप हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गए, यहाँ पे लक्षद्वीप हो गए, इनकी तट रेखा को भी जोड़ लीजिए तो भारत की तट रेखा लगभग है 7515 किलोमीटर के आसपास, लगभग इतनी है। यदि द्वीपों सहित जोड़े तो 7515 हो जाएगी और यदि केवल तट में राज्यों को जोड़े तो 6100 किलोमीटर है, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है और यदि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप सहित अन्य द्वीपों को सम्मिलित कर लिया जाए तो यही तटीय सीमा 7515 किलोमीटर हो जाती है, ठीक है। अब जो हिंद महासागर है हमारा, आप देखेंगे भारत उसके बिल्कुल सेंट्रल में अवस्थित है, केंद्र में अवस्थित है। हिंद महासागर के भारत बिल्कुल केंद्र में अवस्थित है, सेंट्रल वाली पोजीशन है। अफ्रीका आपका भारत के पश्चिम में है और इधर आसियान कंट्री है खूब सारी, तो हिंद महासागर का सेंट्रल पॉइंट है। तो सामरिक तौर पे इस सीमा का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। सामरिक तौर पे, प्राकृतिक तौर पे, सामरिक तौर पे, आर्थिक नजरिए से ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो भारत की जो तट रेखा है, इसको हमने पिछले सेशन में भी मैंने बताया था कि इसमें पश्चिमी तट रेखा और पूर्वी तट रेखा, मुख्य रूप से देखा जाए तो दो तट रेखा है, एक ये आपकी पश्चिमी तट रेखा है ना, ये आपकी क्या है, पश्चिमी तट रेखा है, यहां से गुजरात से आपका ये पूरी पश्चिमी तट रेखा है यहां तक कन्याकुमारी तक, और इधर जो है पश्चिम बंगाल से ले लीजिए और ये आपकी है पूर्वी तट रेखा। फिर मैंने इन तटों के नाम भी आपको बताए थे, ठीक है। लेकिन अभी बात इससे नहीं बनेगी, कुछ चीजें और आप हैं जो अपने मानचित्र में मेंशन करेंगे सभी को, ठीक है, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं तट रेखाओं पे आता हूँ, तट रेखाओं से पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, कुछ पर्टिकुलर चैनल है, कुछ पर्टिकुलर चैनल है, ठीक है, उन चैनल्स के बारे में भी मैं चाहता हूँ कि आपसे एक बार डिस्कस किया जाए, ठीक है, एक मिनट। ये आपका वर्ल्ड का मानचित्र है, यहां पे देखिए इंडिया है, यहां पे लक्षद्वीप है और यहां पे आपका मालदीव है, ठीक है। इंडिया के नीचे यहां पर एक देश है मालदीव, ठीक है, यहां पे मालदीव है। तो आपको पता होगा कि लक्षद्वीप और मालदीव ये दोनों एक दूसरे से काफी नजदीक हैं, ठीक है। अब दो आपको ध्यान रखना है, जो मालदीव है, ठीक है, एक चीज ध्यान रखते हैं, यहां से थोड़ा सा मैं आपको ये आसान कर देता हूं, यहां पे मैं इक्वेटर ड्रॉ कर रहा हूं, ये आपका जीरो डिग्री है, ठीक है। जीरो डिग्री से ऊपर जाएंगे तो संख्या बढ़ती जाएगी, एक डिग्री, दो डिग्री, तीन डिग्री, नब्बे डिग्री तक ऊपर जाते रहेंगे। तो सबसे पहले 8 डिग्री जो आपका है, 8 डिग्री मालदीव को मिनीकाय से अलग करता है, लिख लो ये चीज को, 8 डिग्री चैनल इसे बोलते हैं, 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनीकाय से अलग करता है।
8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकाय से अलग करता है, दोनों को पृथक करता है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल का मतलब यह है कि 8 डिग्री जो आपकी अक्षांश रेखा है वो किसको अलग करती है, मालदीव को मिनिकाय से। याद रखना है मिनिकाय लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है छोटा सा, ठीक है, लक्षद्वीप का ही एक हिस्सा है मिनिकाय। दूसरा, मिनिकाय को मैं एक बार इस चीज को एक बार देखता हूं, शायद मेरे पास इसकी पीडीएफ हो। इंडिया एटलस, प्रतीक्षा कर लीजिए आपको कुछ, मैं चाहता हूं कि बेहतर से बेहतर आपको दे पाऊं उसको लेकर मैं प्रयासरत हूं। ये नहीं है, स्टेट एटलस के नाम से होगा, ये रहा। इसमें सारे स्टेट है लगभग, अपने मानचित्र पे जरूर आप लोग करिएगा, जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को करवा रहा हूं ना मानचित्र पे जरूरी है। ये आपके हैं शायद लक्षद्वीप समूह है ना, लक्षद्वीप समूह, ये पूरा जितना देख रहे हैं ना लक्षद्वीप समूह का है मानचित्र। देखो लक्षद्वीप में कई सारे द्वीप हैं आपके, बित्रा है, चित्तल है, किल्तन है, अमीनी द्वीप है, इंद्रोथ है, इंद्रोथ सबसे बड़ा द्वीप है इसका, काबारती जो इसकी राजधानी है। तो यहां पे देखिए ये आपका जो है दो चैनल है, एक है जो लक्षद्वीप को मिनिकाय से अलग करता है, लक्षद्वीप को मिनिकाय से अलग करने वाला आपको याद कर लेना है, लक्षद्वीप को मिनिकाय से अलग करने वाला है 9 डिग्री चैनल, और मिनिकाय को मालदीव से अलग करने वाला 8 डिग्री चैनल, ये दोनों आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये आपका मिनिकाय द्वीप है, ठीक है, ये दोनों याद कर लीजिए 8 डिग्री और 9 डिग्री को लेकर के, हमेशा के लिए है, देखो हमेशा के लिए काम आएगा 8 डिग्री और 9 डिग्री। ठीक है, 8 डिग्री और 9 डिग्री बिल्कुल रट जाने चाहिए मेरी क्लास में, ये ना रहे। 8 डिग्री मतलब मिनिकाय मालदीव नीचे है, मालदीव नीचे है ना, और जैसे ही संख्या बढ़ेगी 9 डिग्री आपका मिनिकाय को लक्षद्वीप से अलग करने का प्रयास करेगा। अब देखो 10 डिग्री भी है, 10 डिग्री अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, 10 डिग्री जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आपस में अलग करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करने का काम 10 डिग्री करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करने का काम 10 डिग्री चैनल करता है, अंडमान को निकोबार से। मैं आपको एक बार एक चीज दिखाता हूं, ये देखिए ये मेरा मानचित्रण है जो मैं आप लोगों को मानचित्रण बोलता रहता हूं। आप देखिए मैंने खुद ऑलरेडी बहुत अच्छे से मानचित्रण पे मैंने हमेशा काफी काम कर रखा है हर चीज को लेकर के, जो मैं आपको तट रेखा बता रहा था, देखिए मैंने भी तट रेखा बनाई है बहुत साफ और स्पष्ट, ऐसे ब्लैंक मानचित्र पे आप लोग जरूर बनाया करिए, आप लोगों को बहुत इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आप में से शायद एक स्टूडेंट पूछ रहा था अनक्लॉज के बारे में, जो आपकी समुद्र पर संयुक्त राष्ट्र की संधि थी 1982 पे हुई थी, अनक्लॉज जो है ना आपका 1982 में हुई थी, ठीक है ये भी ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा अनक्लॉज कब हुई थी 1982 में। ये आपका ठीक है, तो अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला जो चैनल है वो है 10 डिग्री चैनल, यहाँ पे आपका 10 डिग्री चैनल, ये आपका है 10 डिग्री चैनल, ये आपका है अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला। तो अब आपका 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकाय, 8 डिग्री मालदीव और मिनिकाय, और 10 डिग्री अंडमान को निकोबार। ठीक है, यहाँ पे छोटा अंडमान पड़ता है, लिटिल अंडमान, ये कार निकोबार को अलग करता है, छोटा अंडमान कार निकोबार को पृथक करता है, छोटा अंडमान कार निकोबार को पृथक करता है, छोटा अंडमान कार निकोबार को पृथक करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
अब इसके बाद कुछ पर्टिकुलर चैनल और हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के द्वीप समूह, इंडोनेशिया का सबसे नजदीकी द्वीप हमारे पास है वो है सुमात्रा द्वीप, है ना। तो निकोबार और सुमात्रा को अलग करने वाला चैनल कौन सा है, वो है ग्रैंड चैनल। ये भी यहाँ पे करते चले जाओ, यहाँ पे निकोबार और सुमात्रा को अलग करने वाला चैनल कौन सा है आपका, ग्रैंड चैनल। तो निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है ग्रैंड चैनल, ग्रैंड पास, यहाँ पे है ग्रैंड पास। तो ग्रैंड पास जो है आपका निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। इधर सुमात्रा है, इंडोनेशिया के द्वीप है सुमात्रा, ठीक है, और ऊपर आपके अंडमान द्वीप है। तो अंडमान सुमात्रा से किससे अलग होता है, ग्रैंड चैनल से। कौन सा चैनल है वहां पे, ग्रैंड चैनल। कौन सा चैनल है, ग्रैंड चैनल, ठीक है। आठ डिग्री, ये पूछा गया यूपीएससी में, अभी पूछा गया पिछले एक दो साल पहले, ठीक है। इसके बाद पता होना चाहिए, मतलब इससे ये भी पूछ रहा है आपसे। इसके बाद एक चीज और है यहाँ पे, यहाँ पे म्यांमार का एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है कोको द्वीप। तो कोको द्वीप को, ये जो उत्तरी अंडमान है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपका है कोको द्वीप समूह, यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है कोको द्वीप, और फिर हमारे अंडमान द्वीप है, म्यांमार के कब्जे में आता है कोको द्वीप। तो कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से या अंडमान से अलग करने का काम करता है यहाँ पे कोको चैनल। यहाँ पे क्या है, कोको चैनल, अंडमान को कोको चैनल के द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में एक चैनल जिसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट, पाक चैनल, पाक स्ट्रेट है यहाँ पे, पाक स्ट्रेट जो है वो श्रीलंका को अंडमान से अलग करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मन्नार की खाड़ी जो आपकी यहाँ पे है, मन्नार की खाड़ी भी श्रीलंका और, तो अब वो खाड़ी है, गल्फ है ना, छोटी सी जलराशि है जो तीन तरफ से भूमि से घिरी हुई है। तो ये आपकी जो है तमिलनाडु और श्रीलंका को मन्नार की खाड़ी भी अलग करती है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी जो दक्षिणी अंडमान है, देखो तीन अंडमान चार है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, ठीक है। यहाँ पे उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर आपका दक्षिणी अंडमान और फिर लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान यानी कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान यानी कि दक्षिणी अंडमान, देखो चार है अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में भी एक पास है, इसको बोलते हैं डंकन पास। क्या बोलते हैं इसको, डंकन पास। क्या बोलते हैं इसको, डंकन पास, पता होना चाहिए आपको। क्या बोलते हैं इसको, डंकन पास। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वैसे मैं द्वीपों में अलग से आपको अंडमान और लक्षद्वीप दोनों के बारे में पढ़ाऊंगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए सभी को, ठीक है, सभी को ये पता होना चाहिए। अब एक चीज और यहाँ पे देख लो, जो तट रेखा है हमारी, तट रेखा में भारत की सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है, गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, गुजरात की। और दूसरे नंबर पे आपका है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे गुजरात के। तो कई बार आता है कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, गुजरात की है। भारत में सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, गुजरात की है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है, ठीक है। क्लियर है सभी को, स्पष्ट है, क्लियर है सभी को, स्पष्ट है कि नहीं, स्पष्ट है। हाँ एक बार बताते जाइए सभी लोग कि जितना मैं बता रहा हूं समझ में आ रही है ना सारी चीजें, सभी चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को, लिखते जा रहे हैं, मानचित्रण में भी देखते जा रहे हैं। देखते जा रहे हैं कि नहीं, एक बार थोड़ा सा कमेंट कर दिया करिए, फास्ट कमेंट कर दिया करिए। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे ले चलते हैं इसको, सेशन को आगे चलते हैं। भारत के तटों के नाम एक बार और कंफर्म कर देता हूं आप लोगों को, ताकि आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको नाम बताया था, ये है आपका काठियावाड़ तट। सबसे पहला तट कौन सा था, काठियावाड़ तट, ठीक है। तटों को एक बार से मैं और आपका कंफर्म कर देता हूं। यहां पे पड़ता है कक्ष वाला क्षेत्र, कक्ष से लेकर सूरत तक,
कच्छ से लेकर के सूरत तक, ये आपका है काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट कहां से पड़ता है? कच्छ से लेकर के सूरत तक पड़ता है आपका काठियावाड़ तट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा सूरत से लेकर के गोवा तक का तट जो है, कल आप लोग महाराष्ट्र के तट की बात कर रहे थे ना, तो सूरत से लेकर के गोवा तक के तट को क्या बोलते हैं? कोंकण तट। इसका ही नाम, महाराष्ट्र के तट को भी कोंकण तट के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के तट का नाम भी कोंकण तट के नाम से ही जानते हैं। तो काठियावाड़ तट और दूसरा हो गया कोंकण तट, सबको ये कंफर्म होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जो आपका मालाबार तट है, मालाबार तट के ऊपर कन्नड़ तट बोला जाता है, कर्नाटक वाला तट जो आपका है गोवा से लेकर मंगलोर वाला क्षेत्र, यहाँ पे गोवा है, गोवा से लेकर मंगलोर वाला क्षेत्र, ये पूरा पर्टिकुलर क्षेत्र, ये आपका है कन्नड़ तट, इसको बोलते हैं कन्नड़ तट। ठीक है, कन्नड़ तट, गोवा से लेकर मंगलोर तक के तट को क्या बोलते हैं? कन्नड़ तट। और मंगलोर से लेकर के यहाँ पे, मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी, यहाँ पे कन्याकुमारी पड़ता है, इसको बोलते हैं मालाबार तट, केरल वाला तट जो है आपका, इसको बोलते हैं मालाबार। तो आप देखिए जो पश्चिमी तटीय सीमा है हमारी, पश्चिमी तटीय सीमा को चार तटों में बांट देते हैं, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो खंभात की खाड़ी से लेकर के कन्याकुमारी तक फैले हुए तट को क्या बोलते हैं? पश्चिमी तट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पश्चिमी तट। पश्चिमी तटीय क्षेत्र है और इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, काठियावाड़ तट गुजरात वाले क्षेत्र में, महाराष्ट्र और गोवा में कोंकण तट, कर्नाटक वाले क्षेत्र में कन्नड़ तट, और इसके बाद इसको हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। अब आपका एक तट दूसरा है पूर्वी तटीय रेखा। क्या है आपका? पूर्वी तटीय रेखा। हाँ, अगला है आपका पूर्वी तटीय रेखा। तो पूर्वी तटीय रेखा में आपके यही क्षेत्र आते हैं। सबसे पहला यहां से नीचे से स्टार्ट करते हैं, नीचे आपका है कोरोमंडल तट, ये वाला क्षेत्र, ये पूरा तमिलनाडु का जो तट है इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। ये कहां से कहां तक है? कोरोमंडल तट आपका कन्याकुमारी से चालू होता है और यहाँ पे कृष्णा नदी का जो डेल्टा है, कृष्णा नदी के डेल्टा तक है आपका कोरोमंडल तट, ये आपका है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। ठीक है, तो कोरोमंडल तट कहां तक है? कन्याकुमारी से लेकर के आंध्र प्रदेश का भी कुछ हिस्सा आपका कोरोमंडल में आता है। क्या आता है? कोरोमंडल पे आपका आता है, आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा भी आता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे कृष्णा नदी से लेकर के आपका, कृष्णा नदी से लेकर के इस पर्टिकुलर, वैसे पूरे ही क्षेत्र को उत्तरी सरकार कहते हैं, लेकिन उत्कल तट उड़ीसा वाले क्षेत्र में दूसरा नाम भी इसको रखा जाता है। ये गंगा नदी, यहाँ पे कृष्णा नदी से लेकर गंगा नदी तक के क्षेत्र को उत्तरी सरकार कहा जाता है, उत्तरी सरकार, इसका एक दूसरा नाम भी है, उत्तरी सरकार तट भी बोला जाता है, या इसको बोला जाता है काकीनाड़ा तट, काकीनाड़ा तट के नाम से भी इसको जानते हैं। लेकिन ये जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है यहाँ पर भी तट को हम उत्कल तट के नाम से जानते हैं, इसको हम उत्कल तट भी कहते हैं, उत्कल तट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भारत के तटों के नाम है। पूर्वी तट को तीन भागों में बांटते हैं और पश्चिमी तट को चार भागों में बांटते हैं। गड़बड़ नहीं होना चाहिए कहीं पर भी, ये ध्यान रखिएगा, कम से कम याद रखिएगा। ठीक है, तो पूर्वी तटीय रेखा आपकी कन्याकुमारी से चालू होती है और गंगा नदी तक खत्म हो जाती है, गंगा नदी वाले क्षेत्र में रहती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है सभी को, स्पष्ट है। अब यहाँ पे बहुत सारे द्वीप पाए जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे जो है आपके मैंने आपको चैनल अभी बता ही दिए, चैनल आपको 8 डिग्री चैनल जैसे ही आए, मालदीव को मिनिकाय से, लक्षद्वीप को मिनिकाय से 9 डिग्री चैनल, अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल है ना, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से, लिटिल अंडमान को कार, यहाँ पे है आपका लिटिल अंडमान, यहाँ पे है आपका कार निकोबार, दोनों को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ग्रेट ग्रेट पास कहाँ पे है? ग्रेट चैनल कहाँ पे है आपका? निकोबार और सुमात्रा के बीच में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये बहुत छोटे छोटे पिंटू पिंटू चीजें हैं, आपको जानकारी में होनी चाहिए। ठीक है, डंकन पास बेटा मैंने अभी आपको बताया था, डंकन पास आपका लिटिल दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, इन दोनों के बीच में है डंकन पास। ठीक है, इसके ऊपर है कोको चैनल, कोको द्वीप है, कोको चैनल है यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद आपका यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है,
10 डिग्री चैनल के बाद नीचे ग्रेट पास आता है निकोबार के बाद, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल जो है अभी आगे बढ़ेंगे, अभी भी आधारभूत ही चल रहा है हमारा, ठीक है। अब भारत का प्राकृतिक विभाजन हमें देखना है, प्राकृतिक विभाजन के बाद फिर क्रम से भारत के द्वीप एक साथ उठाएंगे, भारत के प्राकृतिक विभाजन पहले कर लेते हैं, फिर भारत के जो एक एक प्राकृतिक जो भी संरचना है सबको देखते हुए चले जाएंगे, ठीक है। अभी काफी अच्छे से कराऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ के चलूंगा यहाँ पे, ये मेरी जिम्मेदारी है, आप लोगों का काम है, इसको लगातार करते रहना और मानचित्रण कर